आगरा में एक 3 साल के मासूम बच्चे को सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरे मासूम की जिंदगी बचाने के लिए हर कोई सेना और एनडीआरएफ की तारीफ कर रहा है। 9 घंटे तक चले मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने 3 साल के मासूम शिवा को 9 फीट गहरे बोरवेल से जिंदा बाहर निकाला तो लोगों की भीड़ ने सम्मान में जयकारा लगाना शुरू कर दिया। आगरा के निबोहरा थाने के धरियाई गांव में नजर आ रहे 100 फीट गहरे इस बोरवेल में 3 साल का शिवा खेलते खेलते गिर गया। शिवा के साथ खेल रहे बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना शिवा के घर वालों को दी, जिसके बाद गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू में जुट गए। सबकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मिलकर शिवा को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया। हमें बच्चे का उनका हाथ से नाट बांधा, उसके बाद आराम से धीरे धीरे ऊपर खींच के आया था। उसके माध्यम से एनडीआरएफ का जो प्लान ये था वो सक्सेस हो गया, इसलिए बच्चे सब कुछ बरामद हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल में भेजे, मेडिकल के लिए हम लोगों ने भेज दिया। हम लोगों ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब सेना के जवान अपने गोद में लेकर बाहर निकले तब शिवा के माँ बाप के साथ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेना के सम्मान में जयकारा लगाने के साथ ही हर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले आगरा पुलिस, भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम की प्रशंसा कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।